बहुत बहुत आभार संजय बेहुक जी, सभी पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता बड़े ही भारी मन से कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं लंदन, और वहां पे एक सेमिनार होता है जिसका शीर्षक था आइडियाज फॉर इंडिया। विदेशी धरती पर अगर कोई नागरिक जाता है और जो धरती का पुत्र होता है, भारत मां से प्रेम करता है, वो अपने देश की एक ऐसी छवि प्रकाशित करता है जिससे कि ना केवल 135 करोड़ भारतीयों को, बल्कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं और वहां के निवासी हैं, उनको भी लगे कि भारत कितना महान देश है। लेकिन ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की, मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है, भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का यह हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए, भारत के लिए अगर अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। हमारा ये मानना है 135 करोड़ भारतीय जो हैं, वो आपके इस नफरत की विचारधारा को नेस्त नाबूद कर देंगे। ये भी एक सवाल आता है कि क्या ये संयोग है या प्रयोग है। एक हताश कांग्रेस और उसके एक विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, बर्कली अमेरिका में हो, सिंगापुर हो, उनके वक्तव्य कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी मैं डालूंगा मिट्टी का तेल, वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है, आग लगी रहे देश में, सौहार्द बिगड़ा रहे। एक प्रगतिशील मजबूत भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बन रहा है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ये मिट्टी का तेल, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। नहीं राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया,
उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, और ये ट्वीट अधीर रंजन चौधरी जी के ट्विटर हैंडल से है। 21 मई 2022 क्या कहता है, राजीव गांधी की तस्वीर दिखा के, व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स दी अर्थ शेक्स, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो कुछ हजार नागरिक मार दिए जाते हैं। ये हालत है आज कांग्रेस पार्टी में, और ये कांग्रेस पार्टी के एक विफल पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता मिट्टी के तेल की बात करते हैं। 8 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष की केवल एक ही भूमिका होती है, हाथ में मिट्टी का तेल लेके चलो, लोगों को भड़काओ, दंगे बढ़ाओ। अगर विदेशी धरती पे हो तो भारत की सारी अच्छाइयों को छुपा के केवल बुराई करो, और वो भी झूठ बोलकर। नहीं राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी से ही सीख ले लीजिए। विपक्ष में दशकों रहे, लेकिन हमेशा अगर भूमिका निभाई तो एक सकारात्मक विपक्ष की। सत्तारूढ़ कांग्रेस को कमियां तो बताई, लेकिन सत्ता का लालच नहीं था कि सत्ता पाने के लिए हम देश का नुकसान कर देंगे। दूसरी आपत्तिजनक टिप्पणी जो उन्होंने करी है, उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान जैसे हालात हैं। राहुल गांधी जी, ये भी हमें पता है कि आपको पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं है। मैं केवल आपको इतना बता दूं कि जब से भारत आजाद हुआ, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हमेशा लोकतंत्र का राज भारत में रहा, और पाकिस्तान वो मुल्क है आजादी के 75 वर्षों में आधे समय वहां पे तानाशाह हुकूमत रही। यहां पर भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, और चाहे पूरे विश्व में वैक्सीन देकर वसुधैव कुटुंबकम की किसी ने बात को चरितार्थ किया हो, तो वो भारत है। और खबरदार राहुल गांधी, अगर एक आतंकिस्तान से, ऐसे मुल्क से जिसके पास इतने साधन भी नहीं है कि वो अपने देश को चला सके, भीख का कटोरा लेके कभी एक मुल्क की तरफ देखता है, दूसरे मुल्क की तरफ देखता है, उसकी तुलना आपने भारत से करी। भारत महान था, भारत महान है, और भारत महान रहेगा। और मुझे ये विश्वास है कि 135 करोड़ भारतीयों की ये बुलंद आवाज आप तक लंदन में भी पहुंचेगी। तीसरी बात जो उन्होंने कही है, वो उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भारत के इतिहास में अगर काला अध्याय कोई है तो वो आपातकाल है जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाया। तब लोकतंत्र पे एक हमला हुआ।
और ये कैसी कांग्रेस पार्टी है, ये कैसा गांधी परिवार है जिसको विश्वास नहीं सर्वोच्च न्यायालय में, जिसको विश्वास नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसको विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री के उच्च पद पर, जिसको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पे विश्वास नहीं है, जिसको ईवीएम पे विश्वास नहीं है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसको जनता पे भी विश्वास नहीं है, ये कैसी कांग्रेस है। अभी 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे दे, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी। कांग्रेस पार्टी के 399 प्रत्याशी थे, 387 की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी जी, आप देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं, ये जग जाहिर है, लेकिन खबरदार, अगर आपने हमारे देश के खिलाफ एक शब्द भी कहा, एक बात और कहूंगा और बड़े भारी मन से हम ये आपके समक्ष रखेंगे, राहुल गांधी जी की राजनीति ऐसी हो गई है कि कोई पीएचडी के एग्जाम में बैठना चाहता है लेकिन किताबों से नफरत करता है और नर्सरी पास नहीं करी। विदेश नीति पे राहुल गांधी जी एबीसीडी नहीं जानते हैं, और वो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि लद्दाख में हालात यूक्रेन जैसे हैं, ये खुद में दिखाता है कि राहुल गांधी जी, आपको ना भारत की ताकत का पता है, ना विदेश नीति का ज्ञान है, और आपने ऐसा पाप किया है जो धुलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सर्वविदित है, हमारे देश की वीर सेना के जवान कर्नल संतोष बाबू जी, इन्होंने शहादत दी भारत की धरती के लिए, भारत की ताकत ये थी कि जिस सेना को लगता था कि हम बहुत वीर हैं उनको पीछे जाना पड़ा, उनको समझ में आया कि भारत के शूरवीर क्या हैं, लेकिन उनका भी अपमान राहुल गांधी करते हैं और लद्दाख की तुलना वो यूक्रेन से कर देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आप अगर एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे तो भी ठीक, और अगर आप नहीं निभाएंगे तो भी भारत आगे ही बढ़ेगा। और अंत करूंगा यही याद दिलाते हुए, जब अनुच्छेद 370 जो कि एक ऐतिहासिक कदम था उसको हटाया गया, तो पाकिस्तान को बड़ी परेशानी हुई। पाकिस्तान ने एक डोजियर दिया था यूनाइटेड नेशंस में, उसकी तस्वीर मेरे पास है, और उसके पहले पृष्ठ पर किसका वक्तव्य था, राहुल गांधी जी आपका वक्तव्य था।
आप पाकिस्तान से नजदीक हो गए, अपने देश और देशवासियों से दूर हो गए। इस प्रेस वार्ता का अंत यही कह के करेंगे, पूरे विश्व को आज पता है 195 करोड़ टीके सुरक्षा कवच अगर भारतीयों को लगे हैं तो वो हमारे देश की महानता है। कोविड की महामारी में कितने बड़े देश जो अपने आप को मजबूत समझते थे कमजोर हो गए और भारत और मजबूत होकर निकला। 80 करोड़ भारतीयों को अन्न देना कि कोई भूखा ना सोए, इसकी चर्चा अगर आप राहुल गांधी जी विदेश में करते तो अच्छा होता। 11 करोड़ गैस सिलेंडर महिलाओं को देना, 11 करोड़ शौचालय बनना, आप तुलना ऐसे देशों से करते हैं जिनकी मदद आज भारत कर रहा है। नफरत का मोतियाबिंद अगर किसी को हुआ है तो वो राहुल गांधी हैं, और बड़े भारी मन से हम कहते हैं ठीक है आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का मतलब ये कतई नहीं है कि आप नफरत की आंधी में भारत को नुकसान पहुंचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा वही ट्वीट मैंने सार्वजनिक किया था। ये जब पार्ट टाइम राजनीति आप करते हैं और नफरत से भरे होते हैं तो अक्सर आपका जो असली चरित्र है वो बाहर आ जाता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में यही नफरत है, यही ट्वीट वहां चलते हैं, यही तस्वीरें वहां भेजी जाती हैं। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हुआ तो हुआ, सैम पित्रोदा ने कहा था। तो आज ये दुखद है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? मैंने कहा कि अपरिपक्व है, पार्ट टाइम है, नासमझ है, ये देश की जनता जानती है। लेकिन ऐसे वक्तव्य जब बार बार आने लगे तो ये कहना गलत नहीं होगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये देश के साथ गद्दारी है। आपको सत्ता का सुख भोगना है, उसके लिए अगर आपको देश का नुकसान करना पड़े तो गांधी परिवार कर सकता है, ये इस बात का प्रतीक है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, ये देश महान था, महान है और महान रहेगा। अगर 1,00,000 राहुल गांधी जैसे नासमझ नेता नफरत रख के आएंगे तो भी इस देश के पास ये ताकत है कि उनको नेस्त नाबूद कर देगा।